मास न्यूज हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। आइए दिखाते हैं ये खबर। नमस्कार, के मास न्यूज में आपका स्वागत है। फरीदाबाद कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के चल रहे लगातार आंदोलन से फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज रोजाना 4 लाख के राजस्व नुकसान हो रहा है। कोविड-19 के कारण पहले से रोडवेज घाटे में चल रही है। ऐसे में अगर जल्द बस सेवा शुरू नहीं हुई तो हरियाणा रोडवेज का भारी नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ओमीचंद, ड्यूटी इंस्पेक्टर। ओमीचंद जी, पिछले दिनों से जो देखने जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि हरियाणा रोडवेज को लगातार घाटे में जो है अपने गुजार रहा है, कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कितने का अनुमान जो है लगाया जा रहा है? ऐसा है कि पीछे तो भाई मार्च से तो कोरोना है, मार्च से तो कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से विभाग में बस नहीं चली। फिर अब आकर के ये सितंबर के करीब में अगर बस चली है, फिर उसमें भी परसेंटेज रही है यात्रियों की, कभी इतने यात्री बैठाने हैं उसमें। और अब जब पूरी सीटें की आई तो अब ये किसान आंदोलन हो गया। अब किसान आंदोलन है, इससे रूट बंद पड़े हैं अभी तो। करीब करीब डेली हमारा 4 लाख रुपए का घाटा है फरीदाबाद डिपो को। अगर बात करूं तो कैसे ये सारी चीज़ें दूर होंगी आने वाले समय में, क्या कुछ नज़र आ रहा है? नहीं, आने वाले समय में तो रूट खुलेंगे और भाई ये बीमारी से भी जो पीछा छूटेगा तो जब भी कोई बात बनेगी। अभी फिर भी ज़्यादा कोरोना की जो बात हो रही है, अब पहले फिर आ गए कि भाई 52 सवारी से ज़्यादा नहीं बैठानी है बस में। तो देखो, रोडवेज का नियम तो ये है कि भाई 52 से पूर्ति नहीं पड़ती हमारी, तो हमारे में कम से कम भी 44 कैटेगरी फ्री है रोडवेज में। अच्छा, कितनी बसें हैं जो रेगुलर चलती थी लेकिन अब कितनी हैं जो नहीं चल रही हैं, कितनी बंद हैं? कुछ कौन कौन से रूट पे चल रही हैं? अब हमारी रूटों पे तो ये लगा लो कि चंडीगढ़ नहीं जा रही गाड़ी, यमुनानगर नहीं जा रही, बैजनाथ नहीं जा रही, और धर्मशाला नहीं जा रही, हमीरपुर नहीं जा रही, और अमृतसर नहीं जा रही। ये रूट बंद पड़े हैं हमारे। कितनी बसें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं? ये हमारी कम से कम 15 बसें हैं जो अभी बंद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।